नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं आकाश। मोदी राज में देश कर्ज के गहरे भंवर में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि आजादी के 67 साल में यानी 2014 तक देश के ऊपर कुल कर्ज 54.90 लाख करोड़ रुपए था और मोदी के मात्र 5.25 साल के राज में इस कर्ज में लगभग 34 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार कर्ज के ताजा आंकड़े के मुताबिक जून 2019 के आखिरी में सरकार की कुल बकाया देनदारी बढ़कर 88.18 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो मार्च 2019 के अंत में 84.68 लाख करोड़ रुपए पर थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सरकारी आंकड़े हैं जो वित्त मंत्रालय सालाना स्टेटस रिपोर्ट के जरिए जारी करता है। यह प्रक्रिया 2010-11 से जारी है, यानी आप खुद सोचिए कि 67 साल में 54 लाख करोड़ और कहां 5 साल में 34 लाख करोड़। एक बात और गौर करिए कि सरकारी कर्ज के इन आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 के अंत में 84.68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मात्र 3 महीने में बढ़कर जून 2019 के अंत में यह 88.18 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी अब हर महीने 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया जा रहा है। यह असलियत न्यू इंडिया की है, जहां हर एक भारतीय के माथे पर लगभग 65,000 का कर्ज है। आज एक हौलनाक खबर आई है कि विदेश कर्ज में पिछले 5 साल की तुलना में पिछले 1 साल में सबसे अधिक तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 2014 की तुलना में विदेशी कर्ज 11.8% बढ़ गया है। भारत के विदेशी कर्ज की कुल विकास दर जून 2014 से जून 2018 के बीच 3.16% रही। वहीं पिछले साल यह दर 8.6% तक पहुंच गया है। 2 साल के दौरान विदेशी कर्ज में 51,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लंबी अवधि के बकाया कर्ज की राशि में पिछले 1 साल में 8% की वृद्धि हुई है। यह पिछले 1 साल में 414 अरब डॉलर से बढ़कर 447 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वही छोटी अवधि के बकाया कर्ज में 11.1% की तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले 1 साल में 98.7 अरब डॉलर से 109.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। शायद अब आप समझ पाए कि क्यों मोदी सरकार सार्वजनिक संपत्तियों, सार्वजनिक कंपनियों और देश में उपलब्ध संसाधनों को जल्द से जल्द बेच देने की जल्दी मचा रही है। जिस व्यक्ति पर कर्ज गले तक आ जाता है, उसकी सबसे पहली नजर पुरखों की जोड़ी हुई संपत्ति पर होती है। इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।